Hey Creative Army, welcome back to the channel. This is Anil and you guys are watching the Creative Junction. So, thumbnail title देख के आप लोग समझ चुके हो मैं क्या करने वाला हूँ. इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं हम कैसे बना सकते हैं ये stylus. तो एक इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ ये रही. बाकी मैं आपको आज थोड़े इसके और वेरिएंट दिखाने वाला हूँ. मैंने थोड़ा सोशल मीडिया ब्राउज करा और देखा मैंने और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं. तो मैं वो सारे मेथड्स दिखा रहा हूँ. जो उन सा भी आपको सूटेबल लगता है आप वो एक बना सकते हो. सो आई होप यू गाइज लाइक इट. अगर अच्छा लगता है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना. चलो स्टार्ट करें. सो सबसे पहला वाला बनाने के लिए हमको चाहिए एक स्टिक, नॉर्मल सी वुडन स्टिक है, और थोड़ी सी कॉटन. तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें बहुत जरा सी कॉटन चाहिए, इतनी सफिशिएंट है. इसको बेसिकली इसको हल्का सा स्प्रेड करेंगे एंड आराम से अपन इस पर लपेट देंगे. ऐसा कुछ बना लेना है, एक बहुत बड़ा सा ईयर कॉटन बड जैसा. सो योर स्टाइलिस इज रेडी. तो इसको कुछ नहीं करना, इसको हल्का सा हमें डिप करेंगे. सो गाइस ये मैं ले आया थोड़ा सा वाटर. अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको डैब डैब करके भिगा सारे करो डैब. बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, हल्का सा पानी लगाना है सिर्फ इस पर. और बेसिकली ये बन गया है. तो अब चलो टेस्ट करते हैं इसको, क्या ये इस पर काम करेगा. इसके लिए ये ध्यान रखना हमें इसको पकड़ के रखना है. तो इसको पकड़ के और फिर ट्राई करते हैं. ओ माई गुडनेस, ईजीएस्ट वे. देखो सबसे ईजी वे है, बहुत आसानी से हम पूरा स्क्रॉल कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो एक तो ये इफेक्टिव वे है भाई, देख लो मैंने सिर्फ इसको टच कर रखा है. तो यस इट्स वर्किंग. एंड इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हो आप, आपको करना है सब्सक्राइब, ठीक है, और लाइक कर देना भाई, ठीक है. तो ये काम कर रहा है, ऑसम. तो अब जो ना नेक्स्ट वाला है, इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसा खाली पेन और एक पट्टी ऐसी अपनी बेसिक सी. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका छोटा सा पीस लेंगे, इसकी बनाएंगे टिप. टिप कैसे बनाना है, एक कॉर्नर की साइड से बेंड करना शुरू करेंगे इसको. तो इसको ऐसे बेंड कर लिया. बेंड करने के बाद इसके एक एंड को पतला कर लेना और दूसरे एंड को अंदर की तरफ में मोड़ देना और फ्लैट कर लेना. तो ये हो गया. एंड यस इसको यहाँ रखते हैं. अब लेते हैं बची हुई फॉइल. इसको कुछ नहीं करना तुमको, बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, इसकी थोड़ी सी एक टिप बनाएंगे कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, यस. और इस कॉर्नर की टिप को इसके अंदर डाल देना, ठीक, और ऐसा मोड़ देना. अब बस बेसिक सा इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देना. दैट्स इट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट दिस थिंग एंड योर स्टाइलस इज रेडी. अब ये वाला जो बनाया था इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दो. तो बेसिकली यहाँ पर इस बार जो चार्ज है इसमें इसको टिप लगा दिया, ये हो गया है, टिप लगा दिया. सो अब इसको भी टेस्ट करने का टाइम आ गया है. तो हम निकालते हैं फिर से फोन. यस पेन को लेते राइट हैंड में, मेक श्योर फॉइल को टच कर रखा हो हाथ से. डज इट वर्क, लेट्स चेक इट आउट. तो खोलते हैं. यप मैन इट्स वर्किंग. बेसिकली कुछ भी ड्रॉ करके देखेंगे हम, इट इज डूइंग इट्स वर्क बट नॉट एज क्लीन एज द प्रीवियस वन. काम कर रहा है बट उतना अच्छे से दिख रहा है तुमको. रुक जाओ, ज़ूम करता हूं थोड़ा सा. ओह मैन, तो फ्लैट वाली सरफेस की साइड से काम करेगा ये, जो फ्लैट करा है ना हमने सरफेस, दिस सरफेस ये काम कर रहा है. तो हमें फ्लैट करके यूज करना पड़ेगा इसको. इट्स वर्किंग, तो दिस इज ऑल्सो वर्किंग गाइज. सो यप चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ. ये है दूसरा वे बनाने के लिए. तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ये भी पूरा ऑसम काम कर रहा है. इन द नेक्स्ट वन, इन द थर्ड वन, व्हाट वी हैव टू डू, ये जो टिप है इसकी, ये कभी कभी हार्ड हो सकती है क्योंकि ये स्क्रैच दे सकता है, मेटल है ऑब्वियसली. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसकी स्टिप को निकाल के रिप्लेस कर देंगे एक कॉटन की टिप के साथ. तो करते हैं. सो ये हो चुका है और अब है टाइम टेस्टिंग का. तो क्या ये काम करेगा,
कॉटन की चिप लगा दी हमने इस पर यहाँ पर। लेट्स ट्राई कि ये इसके साथ काम करेगा कि नहीं। अरे गुंजा। सो यस, लेट्स गिव इट अ शॉट। वर्किंग, यस इट इज वर्किंग। ओके इट्स वर्किंग गाइस, इट्स एब्सोल्युटली वर्किंग। सो यप, दिस इज ऑल्सो वर्किंग। बस ड्रॉबैक क्या है कि ये कॉटन है तो ये सूख जाता है और गिर जाता है, तो इसके लिए आपको बार बार इसको वेट करना पड़ेगा पानी की मदद से। और दूसरी चीज़ कि ये फैल सकता है, ये फैल जाता है, तो इसका सोल्यूशन अपना चौथा स्टाइलस। लेट्स गेट इन टू दिस। सो गाइज, बेसिकली जो हमारा फोर्थ स्टाइलस है वो बेसिकली ये रहा जो आपको दिख रहा है अभी। सो मैंने इसकी वीडियो यहाँ पे क्यों नहीं बना के दिखाया, बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक इट आउट। अदरवाइज दीज फोर कैटेगरीज ऑफ स्टाइलस जिसको हम बना सकते हैं घर पे और आप लोग बना सकते हो देख के, तो ये चौथा स्टाइलस है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। आजा भाई देखो। तो चल मैं निकल। तो ये बेसिकली इतनी सी बात थी। एंड यस, इस वीडियो को देखने के लिए आई बटन देख लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक देख लेना और एंड स्क्रीन में देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हो वाली फुल वीडियो। तो ये थे चार टाइप के स्टाइलस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है गाइस बनाने के लिए। सो सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट वीडियो जो कि इधर आ रही है, तो मेरी उस वाली वीडियो पर जाओ और मैं मिलता हूँ उस वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सायोनारा।